भाई क्या हाल है? क्या नाम है आपका? आसिफ। आसिफ भाई कितने अरसे से यहाँ मुकीम है? 25 साल। आप रावलपिंडी के शहरी हैं। अच्छा आसिफ भाई, बिजनेस के हवाले से कितना फ़र्क पड़ा इस नई हुकूमत के आने के बाद? काफ़ी फ़र्क पड़ा। आप नुकसान में है कि फ़ायदे में है? हम परेशानी में हैं। परेशानी क्यों? वो ज़्यादा परेशानी में है कि घर के किराए, बिजली के बिल, दुकान के किराए और बच्चों की पढ़ाई के खर्चे, ये निकालना बहुत मुश्किल है। एक्सपेंसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। वो ज़्यादा एक्सपेंसेस ज़्यादा है और आमदन कम है। इसकी वजह क्या है? नून लीग भी वही सोर्स अपना रही थी जो पीटीआई ने सोर्सेज अपनाए हैं। किसी किस्म की कोई पॉलिसी चेंज नहीं हुई। जो पीटीआई कर रही है वो नून लीग करती रही थी। आप लोग टैक्सेस की वजह से परेशान हैं या कि ये जो इनका एक तरीकाकार हुकूमती तरीकाकार है उसकी वजह से परेशान है? असल में वजह है, ये जो नून लीग या आप पीटीआई की बात कर रहे हैं, ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना उनको फ़र्क पड़ता है। जो बैरिकेड्स हो गए, बड़े बड़े जो लोग हो गए, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, ये उनको हम छोटे, हम समझो गुरबत में, गरीबों में आते हैं। आपके इलाके में कोई अस्पताल है? हॉस्पिटल तो हमारे इलाके में है, ये कंटोनमेंट बोर्ड है सदर में। उसके अलावा बेरजी फोटो हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल तो हैं सरकारी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में क्या ऐसी चीज़ का इजाफा किया जाए कि जिससे शहरी, आम शहरी, मैं किसी ब्यूरोक्रेसी की बात नहीं करूंगा, किसी बड़े ताजर की बात नहीं करूंगा, आम शहरी के बेनिफिट में कौन सी ऐसी चीज़ हो जो रावलपिंडी में शुरू की जाए? आम शहरी के लिए देखें, सबसे बड़ा मसला भजन महंगाई का। कोई भी बंदा ना, अब हम अब देखें आज क्या तारीख होगी, 16 तारीख, मैंने घर का किराया दिया कल, 10 तारीख को देना होता है, देना होता है। बच्चों की किसी से, आज किसी से उधार मांग के दे के आएंगे, ठीक है, तो भी चले। उसके बाद इसका अभी तक किराया नहीं बना शॉप का। तो ये हमारी ये सारी चीज़ें जो टैक्सेस नए इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, ये टैक्सेस की वजह से टैक्सी देखिए ना, मैंने पहले कहा गरीब बंदा ना, हम अगर दूध का पैकेट भी लेते हैं ना, हमने उस पर टैक्स दिया हुआ है। सिगरेट लेते हैं उस पर टैक्स हम दे के लेते हैं। मतलब आप भी वही कहना चाहते हैं कि फॉइलर नॉन फॉइलर आपको समझ नहीं आती, आप माल लेते हैं, जितना भी माल हम लेते हैं हमने इसके ऊपर टैक्स दे के लेते हैं। हम तो दे रहे हैं ना हर चीज़। मैं आपसे पहले कह रहा हूँ कि फ़र्क बड़े बंदों के, जब अब बिजली चोरी है मिसाल के तौर पर, एक आम आदमी के लिए तो बिजली नहीं आई, आम आदमी के लिए कोई तब्दीली नहीं, उल्टा वो परेशान ही हुआ है। मेरा आखिरी सवाल आपसे, सवाल ये है कि आपके घर में गैस है? जी, आपके घर में पानी पीने को आता है? पानी पीने वाला तो दूसरा इस्तेमाल करते हैं, दूसरा आता है जो इस्तेमाल में आता है। चीज़ कही जा रही है बार बार, वो ये कही जा रही है कि पीने का साफ पानी, माँ इस उम्र में पानी भर के कहीं से नहीं ला सकती, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। हुकूमत वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि अगर कोई शख्स रात को भूखा मर जाए, अगर भूखा सो जाए, प्यासा सो जाए या प्यासा मर जाए, तो मैं उमर रोज़े मैशर उसका कसूरवार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आपने जो आखिरी बात की ना, एक दफ़ा मैंने 93 के बाद इमरान खान ने जब कंपेन चलाई थी 96-95 में, मेरे ख्याल से ये बात मैंने सुनी थी कि उन्होंने ये फरमाया था कि जी मेरा जो निज़ाम होगा ना वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला का जैसा होगा। तो जितने भी हुक्मरान आते हैं ना, वो आके हज़रत उमर का नाम लेते ज़रूर है सारे, लेकिन एक दिन भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कोई निकाल के दिखा, मुतरजी हुकूमत नहीं देखा आपने? तो एक दिन भी कोई निकाल देना तो हमारा मुल्क बहुत आगे निकलेगा। अच्छा, जितने वजीर इस हुकूमत की हैं, ये सारे वजीर मुशर्रफ की टीम में थे, क्या आप ये मानते हैं इस बात को कि ये एज इट इज़ मुशर्रफ की टीम आएगी? जी, एक आपका नाम क्या है? मेरा नाम इमरान है। इमरान भाई, जब सिस्टम ख़राब हुआ ना, हमारी कचहरी का निज़ाम देख लें, हमारे थाने का निज़ाम आप देख लें, जब सिस्टम ख़राब होगा ना, इमरान खान साहब क्रिकेट के वाले से भी बातें करते हैं, जो ऊपर से सिस्टम को ठीक किया जाए। जब ऊपर से आप सिस्टम को ठीक करोगे ना, अब आप चोरों को साथ मिला लेंगे। अब जो भी फ़र्ज़ करेंगे, शेख रशीद है, वो जिस स्टाइल से हुकूमत करता है, नून लीग के हिसाब से, जब मुशरफ के साथ था या अभी भी है, उसका स्टाइल वही है, बातें करने का की शान नहीं है। शेख रशीद शान तो है, लेकिन उसके इंटरव्यू सुनने का मज़ा आता है, सिंपल मज़ा आता है, मज़ा ही आता है खाली, लोगों को भी और एंकरों को भी मज़ा ही आता है उसके इंटरव्यू का। बंदा वो बहुत अच्छा है, कहने का मकसद है कि पिछले 30 सालों से उसकी सियासत को देख रहे हैं, कितनी चैलेंजिंग उन्होंने की है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में इस वक्त तक मौजूदा 45 कॉलेज शेख रशीद ने बनवाए हैं, 3 बड़े अस्पताल शेख रशीद ने बनवाए हैं, माँ और बच्चा के लिए जो 400 बेड का नया प्रोजेक्ट है, ये शेख रशीद ने 2007 में मुकम्मल कर दिया था, लेकिन नून लीग की हुकूमत की वजह से वो फाल नहीं हो सका। अभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियाँ साकिब निसार साहब वहाँ पर विजिट कर चुके हैं और बहुत जल्द उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ वो ऑपरेशन शुरू कर देगा। थैंक यू वेरी मच।